हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम बात करेंगे औरबिंदो फार्मा के ऊपर औरबिंदो फार्मा आप सभी को पता है कि एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एपीआई पी एज़ वेल एज़ फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हैं तो तिरपन करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका है अगर आप आज की प्राइस की बात करेंगे तो नौ सौ नौ रुपये के आसपास का प्राइस है जबकि हाई लो के आसपास देखेंगे तो नाइन सिक्सटी एट हाई लगा के अभी ये नौ सौ नौ के प्राइस पर मिल रहा है स्टॉक का पी के हिसाब से देखते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो में भी अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का पी चौबीस के आसपास है जबकि स्टॉक का पी अभी भी सोलह सत्रह के आसपास ही है तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा आ, चीप लग रहा है एज़ कम्पेयर टू तो द इंडस्ट्री पी ई बुक वैल्यू देखते हैं तो 303 जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया दो टू टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा है ये शेयर अगर आप डिविडेंड डील की बात करते हैं तो बहुत ग्रेट नहीं है पॉइंट थ्री थ्री परसेंट विच इज़ नॉट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एटीन पॉइंट सेवन परसेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा एटीन पॉइंट सिक्स परसेंट है और अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो फिफ्टी है और अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं अभी बिकॉज मार्केट एकदम पीक पे चल रहे हैं वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वी नीड टू बी इन द क्वालिटी स्टॉक्स ओनली एंड हमें उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसमें जबकि प्लेज परसेंटेज नाइन है तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग मैं ज़रूर बोल सकता हूँ बट एट द सेम टाइम अच्छी कंपनी है और अगर आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो अट्ठारह करोड़ का रिजर्व्स इसके पास अभी भी है डेट टू इक्विटी पॉइंट टू एट है बट स्टिल इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर देखते हैं तो फोर्टी वन पॉइंट सिक्स परसेंट इसका डेट टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ई पी एस के हिसाब से भी देखते हैं तो तिरपन रुपये का अर्निंग पर शेयर ये कमा के दे रहा है सभी शेयर होल्डर्स को तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी अवम इन्स का अगर थोड़ा सा बाइफर्केशन देखिए कि किस तरह के बिजनेस में ये औरबिंदो फार्मा है अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी के जो मेडिकेशन है उसमें ये ऑलमोस्ट थर्टी एट परसेंट मार्केट शेयर रखता है तो बहुत ही दिग्गज कंपनी है एज फार एज़ हेपेटाइटिस इस बी इसके अलावा गेस्ट्रो मेडिसिन मेडिकेशन मार्केट में देखते हैं तो इसमें भी थर्टी सिक्स परसेंट का मार्केट शेयर है एंट्रोब्रेजोल सोडियम इनका एक सॉल्ट है जिसमें जिसका कि मार्केट शेयर आप 36 सिक्स परसेंट औरविंदो फार्मा कमांड करता है इसी तरह से किडनी मेडिकेशन में भी मार्केट शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 33 परसेंट का मार्केट शेयर है एंटी वायरल मेडिकेशन मार्केट शेयर में भी देखते हैं तो 31 परसेंट का इनके पास मार्केट शेयर है प्रोडक्ट ब्रेकअप देखते हैं तो फार्मोलेशन से इनका कुछ रेवेन्यू आता है वो 87 परसेंट आता है और एपीआई कुछ 13 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो यू से इनका पचास परसेंट का रेवेन्यू आता है और जबकि इंडिया से कुछ 10 परसेंट यूरोप से इकतीस बत्तीस परसेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ 8 परसेंट तो यूएस पे काफ़ी डिपेंडेंट है ये कंपनी एंड uh, और बाकी जो यूरोप यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में बहुत ही कम बिजनेस है इनका ऑलमोस्ट 10 परसेंट अगर हम डोजेज फॉर्म की ब्रेकअप देखते हैं तो ओरल डोजेजेस जो है इसका 64 फोर परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंजेक्टेबल्स 17 परसेंट डायट्री सप्लीमेंट्स इनका कुछ 10 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड ब्रांडेड ऑनकॉलजी एंड इंजेक्टेबल्स कुछ 6 परसेंट इनमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज कंपेरिजन विद और कौन सा अगर देख लेते हैं तो कंपनी ने अभी अपना डेट रिड्यूस किया है विच इज़ अ गुड थिंग एंड कंपनीज इज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 18 परसेंट ऑफ लास्ट टेन ईयर्स तो बहुत अच्छे से ही कंपनी ग्रो हो रही है लास्ट दस साल से अगर सेल्स uh, ग्रो हो रही है 18 परसेंट से तो व्हाट एल्स यू वांट इन अ कंपनी बिकॉज आपको इसी तरह की ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरी में ही पैसा लगाना चाहिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीयर कंपैरिजन अगर पीयर कंपैरिजन आप देखते हैं तो आज की तारीख में प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से आप टॉप सेवन कंपनीज़ अगर देखते हैं तो टॉप सेवन कंपनी में सबसे सस्ता प्राइस अर्निंग मल्टीपल इस कंपनी को मिल रहा है वो है सत्रह के आसपास जबकि सन फार्मा में तीस डॉक्टर रेडीज़ में चौवन सिप्ला में भी सैंतीस बायोकॉन में छिहत्तर कैडिला में सत्ताईस टॉरेंट फार्मा में चालीस के आसपास तो सबसे सस्ता इन टर्म्स ऑफ प्राइट प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं और आ, प्राइस टू बुक की भी बात करते हैं तो प्राइस टू बुक भी इसमें सबसे सस्ते पे आज की तारीख में अगर कोई खड़ी है कंपनी तो वो है औरबिंदो फार्मा और उसी के अगेंस्ट में अगर आप इसका ई देखते हो लास्ट ट्वेल्व मंथ्स का ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स का तो उसमें बहुत ही बढ़िया अर्निंग शेयर कमा के दिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये कि आपको बाकी पैरामीटर्स पे सस्ती दिख रही है बट जबकि क्वालिटी फिर भी मेनटेंड है और अर्निंग पर शेयर अभी भी काफ़ी कंपनी से ज़्यादा है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखते हैं तो सिर्फ टॉरेंट और डॉक्टर एडीज़ ही इससे आगे है बाकी सभी इससे काफ़ी पीछे है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है बहुत अच्छे से ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहा है अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अगर क्वार्टरली नंबर्स की क्विकली टच अप ऑन कर लें तो अगर सेप्टेम्बर का क्वार्टर देखते हैं तो वहाँ पर भी सोलह का ग्रोथ दिखाया था इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 22 परसेंट पे आया है जो कि 2017 दिसंबर में 24 परसेंट था उसके बाद ये 22 परसेंट कभी नहीं आया और अभी ये 22 परसेंट मार्जिनस पे काम किया है इसने सितंबर क्वार्टर में तो बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी 806 करोड़ आया है सितंबर क्वार्टर में और जबकि लास्ट ईयर यही ये छः करोड़ था तो वाई ओ वाई भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अगर आप ई पी एस भी देखते हो तो दस ग्यारह के आसपास चल रहा था जो कि अभी तेरह रुपये छिहत्तर पैसे के आसपास इसने ई पी एस भी अपना बढ़ाया है वाई यू वाई, वाई अच्छा जम दिखा है ऑलमोस्ट बीस पच्चीस परसेंट का रिटर्न इसमें ई पी एस भी आप देख सकते हो प्रॉफ़िट एंड लॉस की बात करते हैं तो ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स भी काफ़ी अच्छा इनको दिख इन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट ट्वेल्व मंथ्स में चौबीस करोड़ का सेल्स नंबर दिखाया है जबकि यही अगर आप देखते हो तो मार्च 2020 में तेईस हज़ार करोड़ का था और उससे पहले 19,000, 16,000 तो बहुत कंसिस्टेंटली इसका सेल्स नंबर आपको दिखेगा बढ़ता हुआ 3,000 से लेके पैंतीस सौ तेयलीस सौ छियालीस सौ अट्ठावन आठ बारह तेरह चौदह सोलह उन्नीस तेईस तो लास्ट ग्यारह साल में एक बार भी इसने अपने सेल्स नंबर डिप नहीं किया है और बहुत कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स ग्रो की है विच इज़ वेरी रेयर इन एनी कंपनी की ग्यारह साल से ईयर ऑन ईयर आप अपनी सेल्स नंबर बढ़ाते जा रहे हैं और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक करोड़ से बढ़ के आज पाँच हज़ार करोड़ हो गया है पिछले ग्यारह साल में ऑपरेटिंग मार्जिन छः परसेंट से शुरू किया था 2009 में अगर देखते हैं तो जो कि अब बढ़कर इक्कीस परसेंट ट्रेडिंग ट्वेल्व मंथ्स में दिख रहा है नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दो में सौ करोड़ का नेट प्रॉफ़िट हुआ था इनको जो कि अब बढ़ के तीन हजार एक सौ बयालीस करोड़ का नेट प्रॉफ़िट हो गया है इसका और अगर आप ई की भी बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छे से ये बढ़ा रहे हैं अपना और अगर आप आज की बात करते हैं तो तिरपन रुपये बासठ पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर ये कमा के दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को अगर आप आ, सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स में तेरह परसेंट से, से सेल्स ग्रो की है दस साल में इक्कीस परसेंट से बढ़ रहा है सेल्स इनका फ़ाइव इयर्स में भी अगर एक कंपाउंडेड फोर्टीन परसेंट का सेल्स ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छे से सेल्स ग्रो कर पा रहे हैं अच्छे से प्रॉफ़िट ग्रो कर पा रहे हैं टेन टेन ईयर्स का अगर देखते हैं तो एटीन परसेंट फाइव ईयर्स का ट्वेल्व परसेंट ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स का नाइनटीन परसेंट तो प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है स्टॉक का प्राइस एक साल में कुछ दुगना हो गया है तो बहुत ही अच्छे से प्राइस भी अप्रीशिएट हुआ है तो शेयर होल्डर्स को इसने अच्छे से कमा के दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं आर ओ ई तेईस साल तेईस है लास्ट दस साल में अगर देखते हैं तो लास्ट ईयर 19 परसेंट तीन साल में 20 परसेंट पाँच साल में 23 परसेंट तो अगर हर पैरामीटर पर आप देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर हैं इसके औरबिंदो फार्मा के बैलेंस शीट में देखेंगे तो बोरोइंग्स आप देख सकते हैं कि अट्ठावन करोड़ था मार्च में जबकि ये सितंबर में बावन करोड़ हो गया है उससे पहले सात करोड़ तक ये पहुँच गया था डेट तो डेट को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर पा रहे हैं ये और इसी वजह से इनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट कम जा रहा है अब उस पैसे पर कैश फ्लो की बात करते हैं तो मार्च 2019 में सोलह करोड़ था जबकि अभी तेयलीस करोड़ का कैश इन्होंने ऑपरेशन से जनरेट किया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पंद्रह करोड़ का कैश बर्न किया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उन्नीस करोड़ का कैश बर्न किया इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो उन्नीस करोड़ का जो कैश बर्न किया है इन्होंने उसमें इन्होंने रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स मतलब 1530 करोड़ का जो बोरोइंग्स है वो कम की है इन्होंने तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी एंड नेट कैश फ्लो आज भी आठ करोड़ का नेट कैश फ्लो इनको मिला है आर ओ सी ई मार्च दो में 19 था अभी इसका डेटर डेज चार दिन से बढ़ गया है तो थोड़ा सा वो Uh, थोड़ा सा बड़ा है बट uh, फिर भी वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट बिकॉज अगर 2017 से देखें तो अड़सठ चौंसठ के आसपास ही घूम रहा है तो मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न क्विकली देख लेते हैं फिफ्टी वन था डिसंबर टू तक बट मार्च में आके इन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी इसके अलावा आप एफ की बात करते हो तो एफ़ भी कंसिस्टेंटली इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं दिसंबर 2019 से लेके और अभी 23 परसेंट एफ इसमें इन्वेस्टेड हैं और अगर आप बात करते हैं डी आई एस और डी आई एस डी भी अभी सेप्टेम्बर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट कर ली है तो बहुत स्ट्रांग हैंड्स में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ पब्लिक के पास सवा ग्यारह परसेंट के आसपास ही शेयर जो है वो फ्लोटिंग स्टॉक है इसमें आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई है वो भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और रोबिंदो फार्मा एंटर्स लाइसेंसिंग पैक्ट विद यू एस बायोटेक कोवैक्स फॉर मैन्युफैक्चर सेल ऑफ़ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन तो ये इन्होंने एक आ, जो एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में ये गए हैं कोवैक्स के साथ टू डेवलप कमर्शलाइज मैन्युफैक्चर यू बी सिक्स वन टू ये एक इनकी फर्स्ट मल्टीटोप पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन है टू फाइट कोविड नाइन्टीन फॉर इंडिया एंड यूनिसेफ एजेंसी द कंपनी सेड तो ये एक बहुत अच्छा आ, एक न्यूज़ आई है कंपनी के आ, फेवर में एंड इसके अलावा भी कंपनी ऑल्सो गिव्स नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स इन अदर सिलेक्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग मार्केट्स फॉर औरबिंदो फार्मा टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इनके पास एक तो ये एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो गया है और इसके अलावा कुछ नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स भी इनको मिले हैं टू मैन्युफैक्चर दिस ड्रग इन सेलेक्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग मार्केट्स एज वेल तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टेक्निकल थिंग एज वेल कि कहाँ पर इसका चार्ट कैसा है कैसा दिखता है आप अगर देखेंगे तो ये कुछ uh, चार्ट लगाया 2015 में जो इसने हाई लगाया था वो था कुछ आठ सौ के आसपास उसके बाद इसने डबल टॉप बनाया यहाँ पर uh, 2016 में फिर से वहाँ पर uh, आठ सौ के आसपास जाके डबल टॉप बना के फिर नीचे फिसला और इसने थर्ड टाइम ये अटेम्प्ट लिया है यहाँ पर 2020 में अगस्त के आसपास जहाँ पर इसने 967 का हाई लगाया था उसके बाद ये फिर से ये फोर्थ है अगर इस अटेम्प्ट में ये अभी 909 पे बंद हुआ है इसमें जो भी अगर कोई एंटर करता है औरबिंदो फार्मा में नाइन का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करे बिकॉज अगर ये नौ सौ रुपये का फिर से इसने ये तोड़ दिया और ये नीचे फिसल गया स्टॉक तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी बार भी अटैम्प्ट किया है, टौप, 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 ये फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप थर्ड टॉप ये फोर्थ टॉप तो चार फोर्थ फोर्थ टॉप ये लगा चुका है सेम नौ सौ रुपये के प्राइस पर और आज ये नौ सौ रुपये के प्राइस के ऊपर बंद हुआ है वीकली चार्ट है इसमें अगर वीकली चार्ट में अगर देखते हैं तो फर्स्ट दिसंबर वाला जो वीक था उसमें ये नौ सौ रुपए पर क्लोज़ हुआ था बट उसके बाद ये नौ को ब्रीच करने में सक्सेसफुल नहीं रहा इस वीक में इनफैक्ट अगर मैं इसको डेली का चार्ट भी लगाऊं आपके लिए तो डेली के चार्ट में आप देख सकते हैं ये आज बहुत अच्छे से 900 के ऊपर सिग्निफिकेंटली क्लोज हुआ है और इससे पहले ये इसने ये 7 दिसंबर को क्लोज़ दिया था 910 के आसपास तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा 900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सात आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सात अगर निकलता है तो आपको निकल जाना है अदरवाइज़ नहीं दूसरी बात अगर आप देखते हैं इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पर वीकली चार्ट पर अगर मैं दिखाता हूं आपको तो यहां पर अभी भी आ, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेज ही बने हुए हैं और कोई घबराने की बात नहीं है इसमें अभी बहुत अच्छे से पॉइज है इस रेजिस्टेंस को बहुत लंबा ये रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अगर ये सक्सेसफुली ऊपर रहता है तो स्काई इज़ ए लिमिट बिकॉज देन इट विल बी ट्रेडिंग इन अ ब्लू स्काई जोन तो बहुत ही बेहतरीन पॉइज है इस टाइम पर ये स्टॉक इसको लेकर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि फार्मा इज़ इन द फ्लेवर राइट नाउ एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बने रहना है तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको इस टाइम पर मिल रहा है स्टॉक सो दिस इज़ इट अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस uh, कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं आपके पोर्टफोलियो में एंड इट यू फील दैट ओके दीज आर द वीडियोस यू वुड लाइक टू वॉच डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेलाइकन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मोटिवेट मी विद्स अप बटन इज वेल अलॉन्ग विद एट अगर आपने अभी तक अपना डी मेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आपको एक लिये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डी मेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड बाई डूइंग सो मैं एक व्हाट्सएप uh, अपना ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें कि आपको ऐड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी क्वेश्चन होंगे यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर दोज क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट इसके अलावा आप मेरे को आ, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं आपको ऊपर फ्लैश हो रहा है ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों वहाँ पर मैं अपने स्विंग आइडियाज़ आपको देता रहता हूँ तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने आज ही एक आपको बी -सिल का आइडिया दिया है बी -सिल ने बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पर जिसको बोलते हैं, हैं हैमर पैटर्न और हैमर पैटर्न क्या होता है वो भी एक वीडियो आप मेरे टेक्निकल ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस ख़ुद भी सीख सकते हैं you should not dependent on me or anyone else as well so learn and then only you can earn so this is it for today's video we'll see you in the next video thank you so much for watching